नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। नए साल के तोहफे के रूप में चली इंटरसिटी एक्सप्रेस बेल्थ्रा रोड स्टेशन पर, गार्ड और चालक का हुआ स्वागत। बेल्थ्रा रोड बलिया यात्रियों के लिए नए साल के तोहफे के रूप में आज बेल्थ्रा रोड रेलवे स्टेशन पर विशेष ट्रेन के रूप में पहुंची इंटरसिटी ट्रेन का ZRUCC के सदस्य देवेंद्र कुमार गुप्ता के नेतृत्व में बेल्थ्रा रोड रेलवे स्टेशन पर 05104 डाउन मांडुहुआ डी गोरखपुर वाया भटनी इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के प्रथम लोको पायलट CL पाल, द्वितीय लोको पायलट प्रहमेंद्र कुमार, गार्ड TP राय व स्टेशन अधीक्षक दिनेश मौर्य को नागरिकों ने माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही मिष्ठान का पैकेट भी भेंट किया। सबसे खुशी तो यह देखी गई कि इंटरसिटी ट्रेन इलेक्ट्रॉनिक इंजन से 8:30 पहुंची और 8:55 पर रवाना हुई। और इंटरसिटी ट्रेन में 3 AC चेयर, 15 साधारण कोच D1 से D15 लगे हुए थे। इस ट्रेन के चलने से यात्रियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस ट्रेन के संचालित किए जाने ZRCCU के सदस्य देवेंद्र कुमार गुप्ता ने रेल प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित किया। स्टेशन पर स्वास्थ्य चिकित्सा निरीक्षक ज्ञान चंद्र पटेल निगरानी करते मिले। दरअसल कोरोना काल में लंबी दूरी की ट्रेन तो चल रही थी, लेकिन लोको रूट पर चलने वाली इंटरसिटी के नहीं चलने से पूर्वांचल के लोगों की परेशानी बढ़ गई। गोरखपुर से लखनऊ, छपरा, वाराणसी और नौतनवा की यात्रा पहाड़ चढ़ने जैसी हो गई थी। लोग मजबूरी में रोडवेज की बसों से यात्रा कर रहे थे। इस मौके पर हरीश चंद्र पांडे एडवोकेट, आमिर चंद गुप्ता, प्रहलाद कुमार, पुनीत कुमार गुप्ता, हरे राम यादव आदि मौजूद रहे।